हेलो, क्या आप टैटूज बनाती हैं? स्वादिष्ट। तुम्हें क्या चाहिए? खैर, मुझे ये टैटू चाहिए। आ जाओ। चलो। ओ, ओ, ओ। हो गया। लूजर। पर ये वैसा नहीं है। अगला। हेलो, क्या मुझे मिल सकता है? बिल्कुल। बचाओ, बचाओ। मैं तुम्हें बचाती हूँ। मुझ पर से हटो, हटो। इधर आओ। क्यों? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे एक टैटू चाहिए, बिल्कुल ऐसा। ये सुंदर है, मैं मदद करती हूँ। वाओ, ये कितना क्यूट है। थैंक यू मम्मी, बाय। मुझे जाना होगा। बाय बाय। ब्ला। मुझे ये जॉब पसंद है, मैंने सोच लिया मैं भी यहाँ काम करूंगी। ये बहुत बेहतर है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, है ना? बहुत हुआ, रुक जाओ। ये टैटू सैलून है? हाँ, अंदर आ जाओ प्लीज। मुझे तो यहीं पर होना चाहिए था। हेलो, तुम कहाँ हो? चलो चलें। क्या आपको कुछ चाहिए? या, ये वाला यहाँ पर। बिल्कुल। इसे बंद करो। मैं नहीं कर सकती, बनाती रहो। अब तुम गई। मुझे कोशिश करने दो। ठीक है। क्या? मैं बॉम्ब लाई थी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? वाओ, ये हो गया। क्या? वाओ, मुझे यही तो चाहिए था। शानदार। और ये तुम्हारे काम के लिए। मैं इसका क्या करूं? बहुत हुआ, इसे हटाओ। क्या? ले लो, ये तुम्हारा है। ओह नहीं। क्यों ना थोड़ी हवा ली जाए। तुम कौन हो? हम कैट्स को सर्विस नहीं देते हैं। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। चिंता मत करो मेरी जान, तुम्हें फिर कोई परेशान नहीं करेगा। कैट को मत छुओ। ठीक है। किटी। इसे छोड़ो, ये मेरा है। कितनी अजीब कैट है। हेलो सिस्टर। ओह, ये तुम हो। हाय बहन। एव, बेहुदा। डार्लिंग, तुम यहाँ क्यों आई? मेरा टैटू बनवाने का मन है। बैठ जाओ। क्या होगा अगर? सुनो, तुम्हारी बहन एक मॉन्स्टर है। मेरी बहन मॉन्स्टर है। मैं गुस्से। तुम्हें हुआ क्या है? मॉन्स्टर, मॉन्स्टर,
आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। स्वागत है। क्या ये तुमने किया? देखो अब हम तुम्हारा एक टैटू बनाएंगे। अब तुम पूरी तरह से एक मर्मेड हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आओ गले लग जाओ। ऐसा सोचना भी मत। कौन हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? हे, शांत हो जाओ। बस बहुत हुआ। स्वीटी, शांत हो जाओ, हम अभी सब ठीक करते हैं, चलो चले। मुझे दिखाओ और अब थोड़ा मैजिक। डरना मत। पर और ये? हाँ। खैर अब टैटू की बारी। मुझे ऑक्टोपस चाहिए। खूबसूरत है। थैंक यू सिस्टर। अब हमें उसका क्या करना चाहिए? अच्छा, मुझे मर्मेड्स नहीं पसंद। उसने बहुत कुछ सह लिया, जाने देते हैं। थैंक यू सिस्टर, बाय बाय। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे लिए। ठीक हो जाओ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। बढ़िया। मुझे बहुत भूख लगी है। हे मर्मेड, तुम्हें पिज्जा चाहिए क्या? हाँ लेती हूँ। तुमने फिर से ये किया? ये मैंने नहीं किया, सच में। कैट, समय आ गया है कैट को पकड़ने का। तुम राइट से जाओ और मैं लेफ्ट से। पकड़ लिया। कोई तो जरूर। तुम बहुत बुरे हो। ड्राइंग का लेसन शुरू करते हैं। मैं कहाँ हूँ? कैट, वो कहाँ है? अच्छा मेकअप है। पहले तुम खुद को देखो। मैं एक वैम्पायर हूँ। ओह, मैं भूल गई, मेरे पास मेरा खुद का है। कैट को इसका पछतावा जरूर होगा। ये कहाँ से आ गया? ये फिर से वही कैट है। सुपर कैट। हाँ, और लेडी बग, तुम दोनों कौन हो? सुपर हीरो। क्या तुम दोनों हमेशा एक साथ बोलते हो? हाँ। ओ, नहीं, मैं बोलती हूँ, हमें कपल टैटूज बनवाने हैं। ओ, कितने प्यारे हैं। लेडी बग, मेरे पास आओ। मैं फिर वहाँ चला जाता हूँ। तुमने अपना रास्ता खुद चुना है हीरो। तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम्हें कैसा टैटू बनवाना है? जो तुम्हें पसंद हो वो बना दो। खुशी से। सुपर कैट कैसा चल रहा है? बढ़िया। हो गया। शानदार। सुपर कैट दिखाओ तुमने क्या बनवाया। वाओ। पर ये नहीं था, कोई गलती हुई है। नहीं, हमारा प्यार तो झूठा था, मैं बस इससे प्यार करता हूँ।
खैर मैं तुम लोगों के बीच नहीं आऊंगी। हमें उन्हें रोकना होगा। लोगी तुम्हारी मर्जी। माफ करना, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। टैटू नहीं, कोई प्यार नहीं, गुड बाय। पर रुको रुको, क्या हम ड्रॉ करें? नहीं, लेडीबग। तुम कहाँ जा रहे हो जान? ये तुमने बहुत बुरा किया। ठीक है, बस करो, समझ गई। अपनी साइड जाओ। खैर हो गया, हम स्नैक खा सकते हैं। लोगी? नहीं शुक्रिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या वैम्पायर्स गार्लिक खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हारे लिए बुरी खबर है, इसमें गार्लिक है। मैंने गार्लिक के लिए मना किया था। मुझे ताजी हवा चाहिए, मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हे, तुम कहाँ जा रही हो? लाइन है। डॉक्टर पहले मेरी मदद करो। वैसे पहले मैं था। रुको, मदद करो। तो क्या मैं मरने वाली हूँ? तुम वैम्पायर हो। हाँ मैं हूँ। फिर आखिरकार खाना। वैम्पायर। मुझे अभी के अभी डॉक्टर चाहिए। क्या हम सुकून से कोई काम नहीं कर सकते? हाँ सही कहा। डॉक्टर डॉक्टर, मुझे लेबर पेन हो रहा है। लेबर? हम क्या करें? कुछ करो। रुको, हम कोई रास्ता ढूंढते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकती। तुम? ये तुमने क्या किया? कुछ समय मांग रही हूँ। बिल्कुल ऐसे। वो क्या था? अब हमारे पास पूरी नॉलेज है, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और हम तुम्हें डायग्नोस करने के लिए तैयार हैं। प्रेग्नेंट हो? बिल्कुल, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ। जरा पता लगाते हैं कि क्या करना है। कोई समय नहीं है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ तो करो। एक सेकंड रुको। उसका बेबी हो गया। हम अच्छे हैं। वहाँ कौन है? अंदर आ जाओ। हेलो, मैंने सुना कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हारी क्या परेशानी है? देखो, जब तक मैं उससे नहीं मिली थी तब तक सब ठीक था। वो बहुत हैंडसम है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? हाँ, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। मुझे लेट्स चाहिए। देखने दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसका एक प्रोसीजर है, उससे दर्द भी नहीं होती और रिजल्ट भी अच्छा आता है। बढ़िया, तुम ही मुँह मांगे पैसे दूंगी। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। मैं थोड़ी नर्वस हूँ। पक्का इससे दर्द नहीं होगा ना? क्या तुम्हें पक्का पैर चाहिए? ठीक है, मैं शांत हूँ। तुम्हें थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन होगी। खैर बस हो गया, कुछ भी नहीं बदला। थोड़ा सब्र रखो। ये मेरी लेग्स आ गई। वो क्या है? और ये अच्छा बोनस है। ये बस व्हाइट फैंग्स हैं। हाँ, मैं करती हूँ। वेलकम सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें पता है, पहले मुझे फ्रेश ब्लड की बहुत क्रेविंग हुआ करती थी और लोगों को खाने की भी। क्या तुम मुझे सुन भी नहीं थी? वैम्पायर्स को हमेशा ब्लड चाहिए होता है, मैं इसका ध्यान रखती हूँ। मैंने तो पहले ही सब पता कर लिया। मुझे ब्लड नहीं देना है और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। लोग अपना ब्लड डोनेट करेंगे और उससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझ पर भरोसा करें, लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे।
अगला कौन है? ये बढ़िया है, सच में प्यास बुझा दी। कितना अच्छा है कि आपको हमारा आइडिया पसंद आया। हमारा शुक्रिया, तुम इस पैसे की हकदार हो। दोबारा आना। ये मेरे हैं। मेरे हैं। क्या परेशानी है? ये ऑक्यूपाइड है, चलो आ जाओ। डॉक्टर, मेरे दांत में दर्द है। ये बढ़िया है, मेरा मतलब बुरा है। यहाँ आ जाओ। आ जाओ, मैं मदद करती हूँ। अपना मुंह खोलो प्लीज। ओह खैर, हम बस निकाल देंगे आराम से। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बहुत हुआ। ओह आखिरकार अब असली काम हो सकता है। ठीक है, आखिरकार अब आराम करते हैं। यस। ये क्या चल रहा है? ब्लड पी रही हूँ। और वैसे ये रहा तुम्हारा दांत। ओह शुक्रिया, अब दर्द नहीं हो रहा, पर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। खैर, मुझे पे करवाने का दूसरा तरीका पता है। नहीं नहीं, मैं पैसे ले आऊंगी, वादा करती हूँ। आज मैं ब्लड टेस्ट लेने वाली हूँ। क्या? नहीं, मुझे इमरजेंसी कॉल। समय नहीं है, मैं अपना खून बाद में ले लूँगी। तुम बहुत लकी हो, वरना आज मैं तुम्हें बताती। वाओ बढ़िया। लूसी, तुम कहाँ? मैं यहाँ हूँ। क्या तुम्हें यकीन है ये तुम्हें चाहिए? हाँ। नहीं, ठीक है ठीक है, चलो चले। क्या हमारा कॉफिन खो गया है? ठीक है। आपको क्या हुआ है? तुम देख नहीं सकती? फीवर, डायरिया। यहाँ देखो स्टेक है। ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था, हम इसे अभी ठीक कर देंगे। तुम्हें अब दर्द नहीं होगा और ना ही कुछ महसूस होगा। क्या तुम्हें लगता है हिप्नोसिस काम करेगा? डैड, आपको क्या हुआ? एशली, अब तुम नहीं बचोगी। ठीक है, मैं कहाँ हूँ? क्या यहाँ क्या हो रहा है? मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। तुम कौन हो? मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम हॉस्पिटल में हो। मुझे क्या हुआ है? तुम कोमा में हो। क्या कोमा में? मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? ये बहुत आसान है, तुम्हें मेरी बाइट की जरूरत होगी। मैं समझ गई। इतने क्या जल्दी है? हो गया। मेरा फोन कहाँ है? मलसा, तुम जिंदा हो? मैं कितने समय से कोमा में थी? तुम कोमा में? चलो मस्ती करें। ये देखो, 10 साल के लिए थी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगा मैं सिर्फ कुछ ही देर के लिए कोमा में थी। हाँ थी। क्या? ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैं तुम्हें सब बताऊंगी। ये देखो, मैं तुम्हारे हर बर्थडे पर यहाँ आती थी। तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम अजीब हो। मुझे क्रश का मैसेज आया है, वो मुझे रात को मिलना चाहता है। हाँ, वो पूरा प्लान खराब कर देगा। लेकिन तुम्हें अपनी आउटफिट बदलनी होगी, इतने सालों में सारे ट्रेंड्स बदल गए हैं। ठीक है। वाह एशली, बहुत खूबसूरत है। मुझे पसंद है। चलो तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाए। स्टाइल की दुनिया में आपका स्वागत है।
क्या मदद कर सकती हूँ? हम ये खुद देख लेंगे, शुक्रिया। क्या आप थोड़ा खून लेना चाहेंगी? शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ। क्या क्या आप थोड़ा खून लेना चाहेंगी? मिल्कशेक? हाँ, ये इंस्टीट्यूशन की तरफ से है। छोड़ो ना, तुम्हारे कपड़ों का कुछ करते हैं। ये कितना अच्छा है। मेलिसा, ये इतना फैशनेबल नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दिलाती हूँ। तो चलो ये देखो। क्या सच में? हाँ, जल्दी करो। तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत बढ़िया लग रही हो। खैर, अगर आप दादी बनने वाली हैं, तो ये बेहतर है। मैं अपने लिए खुद चुन लूंगी। ठीक है। वाह। शायद अब सही ड्रेस पहनी है। ये तुम्हारा है, मेरी डेट है। मेलिसा, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, ये लो। ये बहुत अच्छा है जो तुम कोमा से बाहर आ गई। मुझे खुशी है तुमने मुझे डेट के लिए पूछा। हाँ, मैं हॉस्पिटल में था लेकिन उन्होंने तुम्हारे रूम में नहीं आने दिया। हेलो, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? आप अपना सबसे बेस्ट खाना ले आओ प्लीज। बस गार्लिक मत लाना। समझ गए। मेलिसा, मैंने तुमसे मिलने का बहुत इंतजार किया, तो ये तुम्हारे लिए। और ये भी। ये बहुत अच्छा है। कितना गंदा है, पता नहीं उसे गार्लिक पसंद क्यों नहीं है। ये रहा आपका खाना, ये लो। कितनी अच्छी खुशबू है। मेलिसा, ये ट्राई करो। इसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। ये हम कैसे खाएं? हाँ, मैं भूल गई थी, माफी चाहती हूँ। क्या हुआ? मेरी आर्म। सिल्वर। लगता है। ओह, ओह। ब्लड। वो पक्का एक वैम्पायर है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो मुझे भी बना देगी। आखिरकार मैंने कुछ अच्छा सा खाया। मैंने क्या कर दिया? मेलिसा, हमें अभी क्या भी जाना होगा, चलो चलें। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन खून बहुत वार्म था और उसका स्वाद बहुत अच्छा। हे मेलिसा, हमें तुम्हारी इंसानियत वापस लानी होगी। यहाँ देखो। तुम कितनी अच्छी थी। और तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। देखो, सच कहूँ तो मुझे पढ़ना नहीं पसंद। चलो चले। ये लो, तुम मिरर में नजर नहीं आती, तुम गायब हो। लेकिन मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ। और मेकअप? क्या तुम मेरी मदद करोगी? और ट्रीट्स, तुम इनके बिना नहीं रह सकती। पता है तुम ज्यादा टेस्टी हो। चिंता मत करो, पेट भरा हुआ है। क्या हो गया है? रोशनी दूर करो, मैं जल जाऊंगी। मेरे मेथड्स यहाँ काम नहीं आते, हमें कोई प्रोफेशनल चाहिए। चलो चलें। ठीक है एशली, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये एक्सपर्ट है, एक प्रोफेशनल जो वैम्पायर्स की मदद करते हैं। मुझे नहीं लगता वैन हेल्सिंग वैम्पायर की मदद करते हैं। हाँ। चलो चले। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो मेरी फ्रेंड एक वैम्पायर है। एक वैम्पायर? ओपा। मिस्टर वैन हेल्सिंग? सच में वैम्पायर है, मैं जानता हूँ क्या करना है। हाँ। नहीं नहीं
हमें उसके अंदर का वैम्पायरिज्म निकालना होगा। खैर, एक इलाज तो है। हाँ? देखते हैं। पोशन तैयार है। एक सिप और वो वैम्पायर नहीं रहेगी। मुझे क्या करना है? तुम्हें बस इस पोशन को पीना है और बूम, तुम वैम्पायर नहीं रहोगी। मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए। आराम से। तुमने क्या किया? मुझे इंसान नहीं बनना, मुझे वैम्पायर ही बनना है। तो वैम्पायर ही रहो। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहना चाहती, ना ही साथ में स्कूल जाऊंगी। ठीक है, हम पहुंच गए। जाओ यहाँ से। ओह हाँ। कहाँ है? मिल गया। और तुम अभी भी यहाँ हो? अमीर होना कितना अच्छा है। मेरा सपना पूरा हो गया। अब मैं एलीट वैम्पायर स्कूल की स्टूडेंट हूँ। वैसे तो मैं वैम्पायर नहीं हूँ, पर एक दिन बन जाऊंगी। $100। आज का दिन मेरे लिए अच्छा है। चलो चले। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? ठीक है, स्कूल है। हाय सबको, मैं सिंडी हूँ। क्या किसी ने सफाई वाले को बुलाया है? शांत हो जाओ। एलीट वैम्पायर स्कूल में स्वागत है। सिंडी, मैं यहाँ आने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ। रुको, मुझे तुम्हारे फैंस देखने दो। फैंस? हाँ, प्लीज। इग्नू है? वो वैम्पायर नहीं है? वैम्पायर? फैंस नहीं आए? बैठ जाओ। क्यों, क्या तुम्हें अमीर से एलर्जी है? कितना बेहुदा है। कोई बात नहीं, हम दोस्त बनाएंगे, यहाँ आसान होगा। या नहीं? ये अमीरों का लॉकर है और तुम गरीब हो। पर मेरे पास $100 है। ये बेकार है। पर मैं क्या करूं? हम मदद करेंगे, लेके आओ। ये मुझे दो। वो मेरा है। अपनी जगह पर। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। जाहिर है तुम्हें वाइटामिन्स नहीं है। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, तुम गरीब हो। दूसरी बात, तुम वैम्पायर नहीं हो। और तीसरी चीज, शुक्रिया कहो कि हमने तुम्हारे लिए लॉकर ढूंढ लिया। खैर, मेरा हाथ कहाँ है? मैं एक वैम्पायर हूँ, मिस कैंडिस ने कहा। तुम एक डरपोक बिल्ली हो। इस चूहिया को देखो। तुम हो चूहे। तुम नहीं। टीचर। चलो चले। स-
सिंडी, मुझे हैरानी नहीं हुई। गार्बेज में से उठाना अच्छी आदत नहीं होती। पर मेलिसा ने मेरा सामान फेंक दिया। किसी ने नहीं बोला कि ये आसान होगा। तुम्हें पसंद नहीं तो तुम जा सकती हो। मैं रहना चाहती हूँ। ये बिल्कुल भी आसान नहीं। 2 मिनट में लेसन शुरू होने वाला है। लगता है आज मेरे लिए अच्छा दिन नहीं है। चलो लेसन स्टार्ट करें। मेलिसा, तुम पहले। जरूर। क्या होने वाला है? तुम देख लेना। ओह, $100। ओह, एक और। हाँ, ये लकी है। मैं ले लूं? हाँ, ले लो। यस, मैं अमीर हो गया। तुमने कुछ कहा? ये मेरा दोस्त है। वाह, बहुत कूल है। हो गया। बुरा नहीं है मेलिसा, बैठ जाओ। तो हमारा गेस्ट कहाँ है? ओ, ये रहे तुम। चलो भी बाहर आ जाओ, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। अच्छा किया। ठीक है, बैठ जाओ, खाओ। इवॉल्ड अगला जाएगा। नहीं, सिंडी जाएगी। मैं? क्यों ना मैं सिर्फ देखूं? मैंने कहा सिंडी। खैर। हेलो। शुरू करते हैं। कितना मजा किया था। कमजोर लड़की। कैंडिस, आप सबसे अच्छी हैं। सिंडी, एफ, मैं दोबारा ट्राई कर सकती हूँ? तुम एक अच्छी वैम्पायर नहीं हो, पर तुम अच्छी क्लाउन हो। मेरा आज का लंच देखो। Bon appetit, मुझे। मुझे उसका बजाना पसंद नहीं आया। क्या खुशबू है, पर नमक कम है। ये बहुत बुरा है। क्या यहाँ कोई नॉर्मल खाना मिलेगा? क्या ये जिंदा है? क्या तुमने चूस किया? तुम्हारे पास बर्गर या पिज्जा है? ईव, बेहुदा, मेरे डाइनिंग रूम में कोई भी फास्ट फूड नहीं होगा। इस टंग को ले लो, ये फ्रेश है। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं लगी है। पर अब मैं क्या खाऊं? मेरे पास कुछ था।
ये अलग है। और क्या है? बिल्कुल वैम्पायर्स जैसा। हाँ हाय, मुझे मत खाना। मैं कुछ नहीं कर रही, तुम्हें ये खाना है। एव, नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो कहाँ गई? मुझे छिपा लो। क्यों? अभी। आ जाओ। क्या तुमने मेरा लंच देखा है? नहीं। ठीक है। Hey, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वो गई। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओ, मुझे क्लास में जाना है, फिर मिलेंगे। वो अच्छी है, बस इसके खाने को कुछ हो गया है। वो रही वो, पकड़ो उसे। वो यहाँ पर क्या है? ये कितना घटिया है ये। मैंने रुको। क्या तुम तैयार हो बच्चों? हाँ। आज तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम शुरू कर सकते हो। नहीं, मैंने शुरुआत अच्छी की थी। मिस कैंडिस, क्या हम इसे कल तक के लिए टाल सकते हैं? तुम ये कल पूछना, पर आप लिखो। जरूर उस टेबल पर आंसर्स होंगे। मुझे तुम्हारी ट्रिक्स पहले से ही पता है ना? इवॉल्व्ड। मैं इसे बाद में वापस लाऊंगी। मेलिसा, मुझे लगता है तुम वहाँ कंफर्टेबल होगी। हे, मुझे जाने दो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? ये आवाज कर रहा है। सिंडी, क्या तुम्हारे पास फैंस हैं? हाँ, मैंने ये खुद बनाए हैं। आपको पसंद आए? कभी कभी एक आम इंसान होना भी बहुत काम आता है। क्या? बताओ मुझे, तुमने कैसे किया? ये तो चीट फैंग्स है। मैं इसे तुम्हारे लिए भी बनाऊं? सिंडी। हेलो। ओ, फैंग्स निकल आए। ये पक्का बेबी टीथ होंगे। वाओ, उसके पास नए फैंग्स हैं। वहाँ क्या है? मैं यहाँ हूँ। शानदार। वाओ, ये कितने गोल्डन है, मैं नहीं छूना चाहूंगी। नहीं, उन्हें छूना भी मत, और सांस लो और देखो। पर मैं सच में देखना चाहती हूँ। ठीक है फिर। तुम देख सकती हो, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध कर। ठीक है, अब इसे छू। पर मुझे कुछ देख नहीं रहा। क्या यहाँ कोई है भी? शायद मुझे कुछ दिख रहा है। और मुझे दिख रहा है कि कोई क्लास में नहीं है। उप्स, चीन बहुत सुंदर है, तो मैं चली। ठीक है। हेलो, तुम
मुझे चाहिए ये गोल्डन फैंग। 10,000 डॉलर, पर मेरे पास तो सिर्फ 10 ही है। पर मुझे मेरे 9,999,990 डॉलर कहाँ से मिलेंगे? हाँ, मैं रिच स्कूल में हूँ। पेन क्रिप्स, वो भी सिर्फ कुछ 1,000 डॉलर में ही। शुक्रिया। Hey, golden fans. तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मेरा गर्व महसूस करने का समय शुरू होने वाला है। तुमने उसे देखा? क्या बात है। हाँ, ये हो ही गया। अब मैं तुम दोनों जैसी हूँ। ये हुई ना बात। ये कमाल है। क्या ये डायमंड्स हैं? पहले थे मेरे गोल्ड टीथ, अब ट्रेंड में राइनस्टोन्स हैं। ये कैसे? सिंडी, तुम्हारे पास क्या है? शायद अमीर होना मेरे बस का ही नहीं है। ये मेरा सपना है, मैं वैम्पायर ऑफ द ईयर बन सकती हूँ। वाओ सिंडी, बधाई हो। तुम वैम्पायर ऑफ द ईयर हो। ये बहुत अच्छा है। एक पिक्चर। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मेरे रास्ते से हटो। क्या? माफ करना। हमेशा की तरह विनर सबको पता है, तुम इसे हार सकते हो। वैसे मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती थी। तुम तुम्हें गुड लक। विश्वास रखो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बू। बू। समझ गई। ओ नहीं, मैं इसे कर दिखाऊंगी। देखते हैं मेरे लॉकर में क्या है। हाँ, तो हमारे पास क्या है? ये काम आएगा। ये भी। ये। इस तरफ नहीं। देखो, कचरे का डब्बा यहाँ डालो। नहीं नहीं, ये मेरा लॉकर है, कोई कचरा नहीं। चलो चले। ओह नहीं, क्या बकवास है। अब मैं कॉन्टेस्ट में क्या पहनूंगी? लेकिन ला 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 ला। अब चेंज करते हैं। सिंडी, क्या तुम तैयार हो? मेरा मतलब हाँ। द स्केयर मी इफ यू कैन कॉन्टेस्ट अभी शुरू होता है। तुम गए? मैं? नहीं सिंडी। क्या सिंडी? क्या? कुछ नहीं। वो कह रही है तुम्हारा हो गया। समझ गई। पहला राउंड। बू।
मेलिसा 1 point. बस इतना ही. इवॉल्ड और एशले 0 points. अब आखिरी राउंड. सिंडी को मेलिसा को डराना ही होगा. क्या क्या, चलो बैटल शुरू करें. ये हंसने का समय है. मुझे पता था तुम वैम्पायर हो. बस वैम्पायर ही नहीं बल्कि वैम्पायर ऑफ द ईयर बनती हो. सपना है. चलो पिक्चर में है ना. काश मैं उसकी तरह नाच पाती. उम्मीद है वो हमारे साथ कॉन्सर्ट के बाद पिक्चर लेगी. देखो मेलिसा वाली टिकटॉक पर अभी से 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. क्या ये उसका नंबर है? ये बहुत बेकार लग रहा है. उसको स्टेज से उतार दो. मुझे माफ कर दो. मैं ये नहीं करना चाहती. भाई और बहनों, मुझे लगता है हमें क्वीन ऑफ द स्कूल कॉन्टेस्ट का विनर घोषित कर देना चाहिए. शायद मैं लकी हूँ तो मैं ही होंगी. और एक बार फिर मेलिसा क्वीन ऑफ द स्कूल है. मेलिसा कुछ शब्द कहेंगे आप? इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी. माफ करना इस गलतफहमी के लिए. दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेलिसा तीसरी बार स्कूल की क्वीन. और कौन हो सकता है? मेलिसा हमेशा स्कूल की क्वीन रहेगी. वो कहाँ है? तैयार हो जाओ, वो आ रही है. ये सब मेरे लिए है. शुक्रिया. तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है. जाओ. तुमने मेलिसा के लिए सरप्राइज खराब कर दिया. मेलिसा आ रही है. बधाई हो. टेस्ट हो. ध्यान से मेरे बाल मत खराब कर देना. तुम हमारी क्वीन हो. मैं नहीं जानता उन्हें उसमें क्या दिखता है. मुझे तो वो बेवकूफ और बदसूरत लगती है. ये मुझे वापस दो. तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो परफेक्ट है. कौन खूबसूरत है? वो. मैं समझ गई, तुम मुझसे पंगे ले रहे हो. तुम समझी नहीं. मैं तो बस कह रहा था कि
तुम उससे बेहतर हो। देखो मेरी मेलिसा के साथ पिक्चर है और तुम भी उसके साथ पिक्चर ले सकते हो और उसने मुझे किस भी किया। मुझे कोई फोटो नहीं खिंचवानी। और जो भी हो मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। वो परफेक्ट है और मैं बदसूरत हूँ। मेरे क्लासमेट सही कहते हैं। ईवर भी मेरा मजाक बना रहा है। मुझे लगा था दोस्त है। काश मैं थोड़ी सी भी मेलिसा जैसी होती। शायद मैं थोड़ी सी खूबसूरत हो सकती हूँ। ठीक है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, ओह ये तो बहुत बुरा है। यह मेरी कुछ मदद नहीं कर पाएगा। खुद को ठीक करो रोंदू लड़की, ये सब ठीक हो जाएगा। और मुझे ये फालतू के बाल नहीं चाहिए, खासकर मेरे चेहरे पर। मेलिसा के दांत सफेद हैं। ये बेहतर है। ये क्या है? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ और सोचना होगा। मिल गया। हाँ, मेरे फेवरेट पिंपल स्टिकर्स। नहीं अभी नहीं। बकवास पिंपल। बस थोड़ा सा मेकअप और तुम बिल्कुल मेलिसा जैसी दिखोगी। खैर बस हो ही गया, कुछ तो मिसिंग है। ओह हाँ, आईलाइनर। ये इतना मुश्किल क्यों है? काश वो ज्योमेट्री में मुझे विंग्स बनाना सिखा देते, ट्रायंगल्स कहाँ काम आए। है, हम दोबारा ट्राई करें। ये परफेक्ट है। बस मुझे अपनी आईब्रोज टच अप करनी है और फिर हो जाएगा। ओह मैं तो खूबसूरत लग रही हूँ, बस कुछ मिसिंग है। हाँ मुझे अपने लिप्स थोड़ी फुलर और ब्राइटर चाहिए। वाओ ये शीशे में खूबसूरत लड़की कौन है? हाँ मेलिसा कभी ये नहीं पहनेगी। अब तुम्हारी बारी है। सुपर। अब पूरा स्कूल नई सिंडी से मिलेगा। हाँ? क्या वो सिंडी है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अलग क्यों लग रही है। ईवॉल्व, क्या तुमने देखा सिंडी के साथ क्या हुआ? वो किस तरह से बदल चुकी है। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब भी लगता है कि वो खूबसूरत है। हम इसी बारे में बात कर रहे थे। अब वो थोड़ी सही लगती है। ये शायद मेरी आंखें कमजोर हो गई है। वो आज खूबसूरत लग रही है हमेशा की तरह। सिंडी, तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं,
ये तुम्हें सूट करता है। थैंक्स, मैंने बस थोड़ा सा बदलाव करने का सोचा। जानती हो, अगर तुम अपने सर पर एक बैग रख लो तो तुम बिल्कुल मेलिसा की तरह लगोगी। हाँ। चलो अभी सिंडी, बात का बुरा मत मानो। ओ माफ करना, क्या मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं या हॉस्पिटल चलें? मैं ठीक हूँ। सब कैसा चल रहा है? वाओ, क्या ये वही पड़ाकू सिंडी है? कितना अजीब है। वैसे मुझे सब सुनाई दे रहा है, और हाँ मैं ही हूँ वही नर्ड गर्ल। खैर मुझे माफ, मेरा मतलब है तुम बस नॉर्मल नहीं लगती। सही कहा, असल में वो हमेशा से खूबसूरत है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था या नहीं कहा था, पर मुझे लगता यही है। ये तुम क्या कह रही हो इवॉल्व? सिंडी तुम इतना बढ़िया आईलाइनर कैसे लगाती हो? हाँ, और लिप्स भी। खैर बस स्टेंसिल और लिप्स के लिए सक्शन कप इस्तेमाल किया। वाओ, और ये मेरी परफेक्ट फिगर पर मेरी नई परफेक्ट ड्रेस। क्या मैं गंदी हो गई? बहुत सुंदर ड्रेस है। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ करना, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास सेम ड्रेस है। चुप हो जाओ, मैं वो नहीं हूँ जिसने सेम ड्रेस पहनी है, तुम हो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? आखिर तुम ये कर क्या रही हो? सिर्फ हम दोनों में से एक ही के पास ऐसी ड्रेस हो सकती है। और कौन? मेरे पास। ये तुमने क्या किया? बस तुम्हारी इमेज वापस ले आई। चलो चले, यहाँ अब और कुछ करने को नहीं बचा। पर कैसे? तुम्हें क्या लगा? बढ़िया पजामाज हैं। थैंक यू। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुमसे क्लास में मिलूंगा। ठीक है, सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। शुक्रिया इवॉल, सीट पर बैठ जाओ। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो चलो शुरू करें। माफ करना मैं लेट हूँ। बैठ जाओ, जल्दी करो। थैंक यू। तुम्हारा शुक्रिया। उप्स, मेरा फर्ज था। हे सिंडी, तुम्हारे पजामास कहाँ हैं? कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, एंड में एक टेस्ट होगा। आखिरी चीज और हो गया। वाओ, मेलिसा तुम खूबसूरत हो, मुझसे शादी कर रहे हो? नहीं शुक्रिया। ना, वो खूबसूरत है, काश मुझे भी कोई ऐसे ही पसंद करे। वो तुम्हें लाइक करते हैं? हाँ हाँ, बहुत हुआ मजाक। मेलिसा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम मेरा मेकअप कर सकती हो? ठीक है, ये इसलिए क्योंकि मेरा मूड अच्छा है। हो गया। ओह वाओ, मैं बहुत सुंदर हूँ। शुक्रिया। टेस्ट शीट्स ले लो, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, टाइम चल रहा है। हमेशा की तरह पहले कौन आया? ये मेकअप हर किसी को दिखना चाहिए। हो गया। हाँ, खैर तुम फिर फंसा गई। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं? मेरी भी और मैं। मेरी भी। ये टेस्ट किसे चाहिए? मैं एक पिक्चर लेती हूँ। रुको, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो सॉल्व करो, मैं अपना थोड़ा मेकअप तुम्हें देती हूँ, इसे बाद में करते हैं। शुक्रिया। मिस कैंडिस, सिंडी सबका टेस्ट सॉल्व कर रही है। शुक्रिया मेलिसा। ठीक है सिंडी, यहाँ सब क्या चल रहा है? पर मैं ऐसा कुछ नहीं। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम और तुम सबको F मिलता है, सिवाय मेलिसा के, उसको A मिलता है।
पर उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैंने बता दिया सब कुछ, अब तुम जा सकते हो। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। मेलिसा, क्या तुम मेरा भी मेकअप कर सकती हो? हो गया, शुक्रिया। मेलिसा, काश हमें इस बार भी ट्राई करना चाहिए। इसे अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना होगा। स्कूल क्वीन दोबारा कौन बनेगी? वैसे मैं भी देख रही हूँ। सच में माफ करना, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम्हारी परवाह है? ये कंटेंट सबको देखना चाहिए। डियर सब्सक्राइबर्स, क्या आप सोच सकते हैं? एक नर्ड स्कूल क्वीन बनना चाहती है। और कौन है जो परेशान हो गया है? और हाँ, तुम मेरी जैसी नहीं बन सकती। शायद वो ठीक कह रही है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ दिलचस्प नहीं है, ये बस एक बेकार कॉन्टेस्ट है। ये बेवकूफी भरा क्यों है? खैर, अगर मेलिसा दोबारा जीत गई तो क्या फायदा होगा? मैं तुम्हारे लिए वोट करूँगा। शुक्रिया, पर फिर भी मैं मेलिसा को नहीं हरा पाऊंगी, चाहे तुम वोट करो। नहीं सिंडी, लगता है तुम्हें कम्पीट करना चाहिए, और मैं यहाँ से निकलता हूँ। शायद वो ठीक कह रहा है, और हो सकता है मैं जीत जाऊँ, और नहीं भी होगा तो मुझे तो इन सब की आदत है। बस चेरी ग्लास बचा है और मैं तैयार हूँ। सब लाइन में आए, फ्लायर्स लेकर मेरे लिए वोट करना मत भूलना। बस इसमें मेरा ऑटोग्राफ है। सब हटो यहाँ से, सबसे पहले किस मैं लेने वाला हूँ। दोस्तों, क्या तुमने देखा कि सिंडी वहाँ फ्री होमवर्क बांट रही है? क्या कहो? और मैथ प्लीज। चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे माफ करना, लेकिन एक किससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए बायोलॉजी ग्रेट है। क्या? कोई बात नहीं, मैं स्कूल क्वीन हूँ और मुझे उस पढ़ाकू पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेलिसा से किस लेना है? मैं तैयार हूँ। नहीं। अब ये कैसा सा बर्ताव है? सिंडी, क्या ज्योमेट्री का होमवर्क है? हाँ। ये लो। शुक्रिया। मेरा टेस्ट कहाँ है? मुझे भी चाहिए। मुझे भी। तुम्हारे पास बायोलॉजी है? हाँ, ये लो। और मेरा ये रहा बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी। फ्लायर्स ले लो। शुक्रिया, शुक्रिया सिंडी। ओके। मुझे क्लास में जाना होगा। बन अपेटिट। वाओ, वो क्या है? मैं नहीं जानता। वाओ। हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। केमिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं है, ये बहुत ही मजेदार है और स्वादिष्ट भी। माफ करना, शायद इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, वो नहीं था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें असली साइंस दिखाऊं? वाओ, असली कैंडी। तुमने कैसे किया? हाँ, ये बस फूड केमिकल्स है। फूड केमिकल्स, हाँ। इवॉल, क्या तुम्हें ये चाहिए? पहले बाकियों को ट्राई करने दो, मैं बाद में ट्राई करूँगा। ठीक है, पर देख लो, हो सकता है कुछ भी ना बचे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। क्या मुझे और केक मिलेगा? हाँ। असल में पहले मैं जाऊँगा, मुझे एक डोनट चाहिए।
और मैं जूस लूंगी। रुको, लड़ो मत, आ ही रहा है। जूसी बर्गर्स किसे चाहिए? सिंडी, मुझे एक और मिलेगा? हाँ बिल्कुल, पकड़ो इसे। ओके, जरा स्कूल की क्वीन को आने दो। हाँ मेलिसा, मैं तुम्हारे लिए गुडीज बनाऊं। शुक्रिया, पर ये मैं खुद कर लूंगी। मेलिसा, तुम क्या कर रही हो? आराम से। मुझे अकेला छोड़ दो पढ़ाकू, मैं जानती हूँ क्या करना है।